स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में, और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों प्लस टू की बायोलॉजी और उसका चैप्टर नंबर वन, और हम ये लेक्चर इसको पहला ही समझिए क्योंकि इससे पहले चैनल के ऊपर दो लेक्चर अपलोड किए गए हैं, ठीक है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो बात करने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में करने वाले हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों CBSE ने जो सिलेबस डिलीट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये इसी टॉपिक से स्टार्ट होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप सभी जानते हो बच्चों, टेंथ से आप पढ़ते आए हो, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो टाइप के गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है और उनकी फ्यूजन होती है। सो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन which involve formation and fusion of gametes, ठीक है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे सिंपल से सिंपल डेफिनेशन यही है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें फॉर्मेशन होती है गैमीट्स की और उनकी फ्यूजन होती है। अब बच्चों जो गैमीट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। अब ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें जो मेल गैमीट है वो मेल इंडिविजुअल के द्वारा बनाया जाता है और जो फीमेल गैमीट है वो फीमेल इंडिविजुअल के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन के केस में देख लीजिए बच्चों, ह्यूमन के केस में जो मेल गैमीट है वो मेल के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन मेन जो है उसके द्वारा, और जो फीमेल गैमीट है वो वुमन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, फीमेल गैमीट जो है वो फीमेल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। सो ह्यूमन के केस में ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये दो अलग अलग इंडिविजुअल बनाते हैं। मेल गैमीट कौन बनाता है, मेल्स बनाते हैं, फीमेल गैमीट कौन बनाता है, फीमेल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे बच्चों जिनके अंदर ये दोनों के दोनों गैमीट जो है वो एक ही इंडिविजुअल बनाता है, जैसे कि अर्थवर्म है वही बच्चों मेल गैमीट बनाता है और वही जो है फीमेल गैमीट बनाता है, यानी कि दोनों टाइप के जो गैमीट्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है बच्चों। सो हमने क्या डिस्कस किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन और फ्यूजन हो गैमीट्स की, ठीक है। फिर हमने देखा मेल और फीमेल दो टाइप के गैमीट्स होते हैं, तो ये जो गैमीट्स हैं कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनमें जो मेल गैमीट है वो मेल ही बनाते हैं, फीमेल गैमीट फीमेल बनाती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर ये दोनों के दोनों जो गैमीट्स हैं ये एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि ये जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज होने के बाद किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये सिंपल फैक्ट्स हैं जो आप 10th में पढ़ चुके हो। तो बच्चों गैमीट्स की फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट, और ये जो जाइगोट है यही नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो इसी जाइगोट से बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे बच्चों सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। जितने भी हमने फैक्ट्स अभी स्टडी किए हैं उनके बिल्कुल डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसकी लाइफ के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी पूरी लाइफ है वो तीन फेज के अंदर डिवाइड की जाती है, ठीक है बच्चों। नंबर एक जुवेनाइल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज, और दूसरी जो है वो है सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन इज सेनेसेंट फेज, ठीक है, सेनेसेंट फेज। तो बच्चों तीन टाइप की फेज जो है वो हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है उसके अंदर आती है। फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन इज सेनेसेंट फेज, ठीक है। अब इनको हम बच्चों अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जुवेनाइल फेज। तो बच्चों जुवेनाइल जो फेज होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ का ऐसा पीरियड होता है जहां मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ठीक है। सो जुवेनाइल फेज इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, ठीक है बच्चों,
ठीक है, जो जुवेनाइल फेज है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर, जो जुवेनाइल फेज आती है वो एक्चुअल में क्या होता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। यानी बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर जब ये जुवेनाइल फेज होता है तो उस दौरान वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। यानी जुवेनाइल फेज इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ठीक है बच्चों, जो ये नीचे लिख रखे हैं ना इनको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जुवेनाइल फेज को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सो एक लाइन में अगर आपको आंसर देना हो कि व्हाट इज जुवेनाइल फेज, तो आप क्या लिखोगे, इट इज पीरियड ऑफ लाइफ इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज मैक्सिमम ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ का ऐसा पीरियड जहां वो मैक्सिमम ग्रोथ एंड मैच्योरिटी डेवलप करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जुवेनाइल फेज कैसे करेक्टराइज करोगे आप, ये भी देखना होगा। ठीक है, अगर बच्चों आप बात कर रहे हो एनिमल्स की, ठीक है, तो एनिमल्स के केस में बच्चों ये जुवेनाइल फेज जो होती है ये कैसे करेक्टराइज होती है, कैसे पता चलता है, जो एनिमल्स होती है ना बच्चों उनके अंदर जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, हाइट क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है ड्यूरिंग जुवेनाइल फेज। एनिमल्स के केस में जो हाइट है वो क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। और सेम केस प्लांट्स के केस में भी होता है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी उनकी जो हाइट है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज, सही है बच्चों। और प्लांट्स के केस में और भी है, अब आपने देखा होगा नया प्लांट जब बनता है तो उसके अंदर नए नए लीव्स की अराइज होते हैं। ठीक है, तो वो लीव्स का अराइज होना भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स की जुवेनाइल फेज का। सो बच्चों मैंने टॉपिक कैसे स्टार्ट किया कि एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो तीन फेज के अंदर डिवाइडेड होती है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है ग्रोथ एंड मैच्योरिटी का। यानी इस फेज के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ करता है। ठीक है, एनिमल्स के केस में ये फेज कैसे करेक्टराइज होती है कि एनिमल्स में हम भी इंक्लूडेड हैं, जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं बच्चों उनके अंदर भी हाइट इंक्रीज होती है और उनके जो लीव्स हैं वो अराइज होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जुवेनाइल फेज जो है ये बच्चों वेराई करती है, यानी इसका जो ड्यूरेशन है ना ये वेराई करता है, जो इनका टाइम है वो वेराई करता है। जैसे कि हमारे केस में जो ह्यूमन मेल या फीमेल है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ह्यूमन मेल एंड फीमेल के केस में ये जो जुवेनाइल फेज है ये लास्ट, यानी कि इसका जो एक्सटेंशन पीरियड है वो कितना हो सकता है, 13 to 15 ईयर तक जुवेनाइल फेज रहती है ह्यूमन के केस में। और अगर हम यही चीज़ जुवेनाइल फेज मैंगो प्लांट के केस में देखें तो जो मैंगो प्लांट है उसके अंदर जो ये जुवेनाइल फेज है ये 3 to 5 ईयर्स तक रहती है। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, जुवेनाइल फेज का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमन के केस में ये 13 to 15 ईयर है, जो मैंगो प्लांट है उसके केस में ये 3 to 5 ईयर है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों, प्लांट्स के केस में इस जुवेनाइल फेज को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज वेजिटेटिव फेज, दैट इज वेजिटेटिव फेज। ठीक है बच्चों, जुवेनाइल फेज को प्लांट्स के केस में क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप खुद सोचिए जुवेनाइल फेज जब भी एंड होगी उसके बाद नेक्स्ट फेज कौन सी स्टार्ट होगी, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट फेज करते हैं। सो दिस वॉज जुवेनाइल फेज, और जैसे ही जुवेनाइल फेज एंड होती है नेक्स्ट फेज यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है बच्चों, चलिए, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फेज। अब इसका कैसे पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, जुवेनाइल फेज जैसे ही एंड होती है वैसे ही ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनके केस में ये रिप्रोडक्टिव फेज कैसे करेक्टराइज करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि एक प्लांट के अंदर जुवेनाइल फेज खत्म हो चुकी है और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों जैसे ही कोई प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो हम समझ जाते हैं कि उस प्लांट की जुवेनाइल फेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि प्लांट्स के केस में ये पाया जाता है कि जो प्लांट्स जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं उनकी जो जुवेनाइल फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये फ्लावरिंग का जो कंसेप्ट है ना बच्चों ये कुछ प्लांट्स के अंदर फिट नहीं बैठता, जैसे कि जो रोज प्लांट होता है उसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो पूरे साल होती है बच्चों। ठीक है, फ्लावरिंग जो है वो ऑल ओवर द ईयर पूरे साल होती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मैंगो प्लांट है उसके अंदर ईयर में एक बार ही फ्लावरिंग
होती है। ठीक है बच्चों, इंटरेस्टिंग है ना। जो रोज प्लांट है उसके अंदर फ्लावरिंग जो है ऑल ओवर द ईयर, यानी कि जो रोज प्लांट है वो पूरे साल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जो मैंगो प्लांट है उसके अंदर साल में सिर्फ एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बच्चों, और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों इनके बारे में, वो क्या है, वो ये है कि जैसे कि और बात करें अगर हम, तो जो बैम्बू प्लांट है, ठीक है, बैम्बू प्लांट जो है उसके अंदर पूरी लाइफ के अंदर, बैम्बू प्लांट पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है। बैम्बू प्लांट अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। और जो नील करंजी एक प्लांट है बच्चों, नील करंजी, वो जो है वो 12 साल के अंदर एक बार फ्लावरिंग करता है। ठीक है, 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करता है। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बच्चों प्लांट्स के बारे में। ठीक है, आपने क्या देखना है कि प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसको कैसे करेक्टराइज किया जाता है। तो आप कहोगे कि जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होती है वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। कैसे पता चलता है प्लांट्स के केस में कि वो जब फ्लावर प्रोड्यूस करने लग जाएं तो समझ जाइए कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्लावरिंग का केस हमने देखा कि फ्लावरिंग तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया रोज जो है वो पूरे साल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, मैंगो प्लांट साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, बैम्बू प्लांट जो है वो लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और जो नील करंजी है वो 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कंसेप्ट है बच्चों ये आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट केस देखिए। अब जो रिप्रोडक्टिव फेज है एक्चुअल में बच्चों, जो प्लांट्स एनुअल एंड बाइनियल होते हैं ना, जो प्लांट्स एनुअल एंड बाइनियल होते हैं, ठीक है, बाइनियल एनुअल एंड बाइनियल जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके केस में ये जो तीनों फेज हैं, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज, आपको क्लियरली विजिबल होती है। अब ये कौन कौन से बच्चों, एनुअल प्लांट में आ जाते हैं वीट, राइस, ठीक है, और जो बाइनियल प्लांट है उनके अंदर आ जाते हैं बच्चों रेडिश, टर्निप, ऐसे केस। ठीक है, तो इन प्लांट्स के अंदर बच्चों आप आराम से ये फेज देख सकते हो। जैसे कि वीट के केस में आपको पता है जैसे प्लांट ग्रो करता है वो होगी उसकी वेजिटेटिव फेज, जब उसके वो इनफ्लोरेसेंस जिसको आप बाली बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज, और जब वो गोल्डन कलर की हो जाती है वीट तो उसका वो लास्ट फेज जो सेनेसेंट फेज होता है वो हो जाता है। इनके केस में भी देख सकते हैं बच्चों। लेकिन जो बच्चों पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पेरेनियल प्लांट होते हैं उनके केस में जो है आप ये जो तीनों फेज हैं डिस्टिंक्टली उनको आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते बच्चों, क्योंकि ये जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं ना, ये इनका जो लाइफ स्पेन होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। एनुअल प्लांट्स का लाइफ स्पेन 1 साल का होता है, बाइनियल प्लांट्स का लाइफ स्पेन 2 साल का होता है, और ये जो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं इनका लाइफ स्पेन काफ़ी सालों का होता है। तो इन प्लांट्स के अंदर बच्चों आप तीनों फेज को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है बच्चों की अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स के केस में अगर आपको रिप्रोडक्टिव फेज देखना है तो एनिमल में सबसे पहले अगर आप देखें बात बर्ड्स की करें तो बर्ड्स जो हैं वो बच्चों पहले ग्रो करते हैं, लेकिन बाद में उनके अंदर एक ऐसी फेज आती है जब वो एग ले करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एग ले करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो एग ले करना शुरू कर दे तो हम समझ जाएंगे बच्चों कि उनके अंदर कौन सी फेज आ चुकी है, रिप्रोडक्टिव फेज आ चुकी है। जो पहला चैप्टर है बच्चों ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, आपने इनके नोट्स प्रिपेयर करने अच्छे से, कुछ एक कंसेप्ट इनके अंदर समझने वाले ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बच्चों अगर मैं बात करूँ मैमल्स की, और मैमल्स के अंदर खास तौर पे जो फीमेल्स हैं उनकी, ठीक है, मैमल्स तो आप समझ गए होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, यानी जो ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है मैमल्स। ठीक है, तो जो मैमल्स की फीमेल होती है ना बच्चों, अब मैमल्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो मैमल होते हैं प्राइमेट, ठीक है, और एक जो मैमल्स होते हैं वो होते हैं नॉन प्राइमेट। ठीक है, एग्जांपल भी बताता हूँ बच्चों ये कौन कौन से होते हैं। प्राइमेट मैमल होते हैं बच्चों जिसमें आते हैं मंकी, ठीक है, मंकी एंड ह्यूमंस, और जो नॉन प्राइमेट होते हैं बच्चों उनके अंदर आते हैं काव, शीप वगैरह। ठीक है, ये जो है इनके अंदर आते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों कि ये जो रिप्रोडक्टिव फेज जब हमारे मैमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर स्टार्ट होते हैं तो इनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस अकर होते हैं ओवेरी के अंदर। आप 10th में पढ़ चुके हो ना, फीमेल्स का जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है मैमल्स के केस में वो क्या होता है, ओवेरीज। तो बच्चों चाहे मैमल जो फीमेल्स हैं मैमल्स की, चाहे वो प्राइमेट्स की हो चाहे वो नॉन प्राइमेट्स की हो, उनके अंदर जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है लाइफ के अंदर तो उनकी जो ओवेरीज होती है उनके अंदर कुछ साइक्लिकल चेंजेस अकर होते हैं।
तो जो साइक्लिकल, ध्यान से सुनना बच्चों, जो साइक्लिकल चेंजेस अकर होते हैं प्राइमेट मेमल्स की फीमेल के अंदर, उनको तो स्पेसिफिकली नाम दिया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो साइक्लिकल चेंजेस अकर होते हैं इनके अंदर मेमल्स, कौन से, नॉन प्राइमेट मेमल्स की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस अकर होते हैं उनको बोला जाता है ओइस्ट्रस साइकिल, ठीक है। हम जस्ट बच्चों चेक कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलता है। तो जो मेमल्स होती हैं, जो मेमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज का कैसे पता चलता है, उनकी बॉडी के अंदर साइक्लिकल चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है। ओवेरीज होती है, जो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनके अंदर, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। और मेन जो चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग पे वो यही है बच्चों, क्योंकि ओवेरीज के अंदर साइक्लिकल चेंजेस अकर होते हैं। प्राइमेट फीमेल्स के केस में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट के केस में जो होते हैं उनको बोला जाता है ओइस्ट्रस साइकिल, ठीक है बच्चों। इंटरेस्टिंग बात, जो ऑर्गेनिज्म, जो मेमल्स मान लो, कुछ भी मान लो, जो वाइल्ड एरियाज में पाए जाते हैं उनके अंदर ये जो साइकिल होते हैं ना बच्चों, ये फेवरेबल सीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिज्म या जो मेमल्स वाइल्ड रीजन्स के अंदर, जो जंगलों में पाए जाते हैं, उनके अंदर जो ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये वाले फेवरेबल सीजन में होते हैं, तो वो उसी सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है बच्चों सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, सीजनल ब्रीडर, ठीक है बच्चों। यानी कि ये जो प्राइमेट या नॉन प्राइमेट मेमल्स हैं उनके केस में जो वाइल्ड रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, जो एनिमल्स जंगलों में रहते हैं, जो उनके अंदर ये जो साइक्लिकल चेंजेस हैं ये अकर होते हैं फेवरेबल सीजन में, यानी साल के एक कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड होगा उसी के अंदर होंगे और उसी के दौरान वो रिप्रोडक्शन करेंगे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों, सीजनल ब्रीडर बोला जाता है। बाकी जो बच गए, जैसे कि ह्यूमंस हो गए बच्चों, ये जो हैं ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल ये रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है बच्चों। जो सीजनली रिप्रोडक्शन करते हैं वो सीजनल ब्रीडर हो जाएंगे, और जो पूरे साल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये था इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। उसके बाद बच्चों खास बात क्या रह जाती है, हमने मेमल्स के बारे में बात कर ली, ये भी बात कर ली, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि एक लाइफ जो साइकिल मैंने आपको बताया उसके अंदर तीन फेज मैंने बताई थी, वेजिटेटिव फेज जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, जब वेजिटेटिव फेज खत्म होती है उसके बाद कौन सी फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो वो रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन बच्चों लाइफ की जो लास्ट फेज होती है उसको बोला जाता है सेनेसेंट फेज या सेनेसेंस फेज भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। वो एक मतलब उसको ओल्ड फेज भी बोला जाता है, तो उसको भी देख लीजिए बच्चों, सेनेसेंस फेज। तो ये बच्चों जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होती है उसके बाद सेनेसेंस फेज जो है वो स्टार्ट होती है बच्चों। और सेनेसेंस फेज जो है उसके अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, यानी कि बॉडी के जो सेल्स हैं उनके जो काम करने की क्षमता है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है बच्चों, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना स्लो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चों सेनेसेंस फेज के अंदर, और जो सेनेसेंस फेज है वो लास्ट होती है बच्चों डेथ के अंदर, यानी सेनेसेंस फेज के बाद कुछ नहीं होता बच्चों, जस्ट डेथ होती है, ठीक है। तो ये था लाइफ साइकिल बच्चों, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंस फेज। हमने अलग अलग फैक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश की, आपके जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं वैसे के वैसे। आप क्या काम कीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, लेक्चर साथ के साथ देखिए और साथ के साथ नोट्स को प्रिपेयर कीजिए बच्चों, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। तो बच्चों आज हमने ये तीनों फेज देख ली हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि रोज़ लेक्चर अपलोड किए जाएं, लेकिन अगर रोज़ नहीं होते तो कम से कम एक या दो दिन छोड़ के जरूर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चों बात करेंगे डिटेल में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनकी, ठीक है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं, तो उनको हम एक एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप अपना जो नाम है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ठीक है बच्चों।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों।